हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक फॉरेक्स एंड कमोडिटी ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करें, बहुत अच्छे से लर्निंग करें, प्रैक्टिस करें, देन बहुत अच्छा आप फाइनेंशियल मार्केट में करें और आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें आप बहुत अच्छा करें। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ में। आज जो हम एनालिसिस करेंगे, लेवल्स जानेंगे, थोड़ा सा ये एनालिसिस मेरा नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट लेवल का होगा, प्रॉपर होगा, लाइक ए डॉट वो वर्क करेगा। तो प्रॉपर डिटेल में आपको समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो मैं आपको स्क्रिप्ट बताने वाला हूँ, जैसे आपको गोल्ड है, सिल्वर है, निकल है, कॉपर, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। देखिए, ये सारी स्क्रिप्ट वीकली के अकॉर्डिंग एंड डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक रेंज में ही रहती है। ऑलमोस्ट जितनी भी आप स्क्रिप्ट देखेंगे अभी, जो आपका गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, ये जितनी भी स्क्रिप्ट है आपकी सारी की सारी ही रेंज में, कोई भी स्क्रिप्ट आपकी ट्रेंडिंग नहीं है इस वीक के ड्यूरिंग में, और मे भी आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ अगले वीक तक ये ट्रेंडिंग में नहीं है। एक मींस आपका रेंज के अंदर है। रेंज कहने को आप कह सकते हैं कि नेगेटिव टू साइडवेज रेंज है और या फिर पॉजिटिव टू साइडवेज रेंज है। तो कौन सी स्क्रिप्ट कौन से लेवल, मींस आपका नेगेटिव टू साइडवेज रेंज है तो लोअर लेवल पे है, कौन सी स्क्रिप्ट हायर लेवल पे, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और कुछ कुछ इसमें एक दो स्क्रिप्ट ऐसी है कि ट्रेंडिंग है, लोअर लेवल पे आ गई और उसको हम बाइंग करेंगे तो अच्छा लेवल हमें मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो गोल्ड की, गोल्ड की अगर मैं एक रेंज की बात करूं कि लास्ट प्रीवियसली कुछ दिनों की अगर रेंज हम बात करें तो हायर साइड में जो रेंज है वो 48,300 है एंड लोअर साइड में जो रेंज है 47,400 है। कहने का मतलब ऑलमोस्ट आपका ये जो रेंज है ऑलमोस्ट आपका 900 पॉइंट की रेंज है। इसी रेंज के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिए, इसी आपका जो टारगेट्स होंगे 200 300 पॉइंट ऐसे ही आपको एक ट्रेंडिंग नहीं मिलेगा। अभी आपको आप ट्रेंडिंग का वेट करें और फिर ट्रेंडिंग आपका टारगेट भी आ जाए और फिर उसके बाद ऐसे लेट हो जाए, ऐसा नहीं करना। आपका प्राइस रेंज के अंदर ये रहेगा, 200 200 300 300 पॉइंट से बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे वीकली के अकॉर्डिंग, आपको बता रहा हूँ, डायरेक्शनल भी नहीं मिलेंगे। ये हायर साइड में जो लेवल है, देखिए अभी प्राइस क्या आज के सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो हायर साइड में आपका प्राइस जो है 47,800 जो मैंने आपको हायर साइड में जो लेवल दिया, अभी क्या है डबल टॉप फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइस यहाँ पे बीच में। देखिए जितने मैं आपको लेवल दे रहा हूँ इन चार लेवल्स के अलावा आपको ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। अगर आप इन चार लेवल्स पे अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। होता क्या कि इन चार लेवल पे एक परफेक्ट बाइंग आती है, बाइंग या सेलिंग मींस आपका एंट्रीज के लिए परफेक्ट, आपका अगर बाइंग आएगी तो ये आपका परफेक्ट की एरिया वैल्यू, मींस आपके परफेक्ट एक डिमांड जोन है जहां पे आपकी बाइंग आएगी या फिर सेलिंग आएगी, तो इन्हीं लेवल पे करिए। बीच में जो जितने भी रिटेल ट्रेडर पैसा गंवाते हैं ये बीच में ट्रेडिंग करके गंवाते हैं। तो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, अगर 47,900 के आसपास प्राइस यहाँ पे मिले तो आप सेल करिए इसको, यहाँ अभी कोई लेवल नहीं है गोल्ड को सेल करने का या बाई करने का, ठीक है? तो परफेक्ट सेल कर सकते हैं अगर कंफर्मेशन के बाद एंट्री मिले तो, नहीं तो जबरदस्ती नहीं करना। बिकॉज अगर ये लेवल आपका जब टूट जाएगा तो टूटने के बाद रिटेस्ट पे यही लेवल आपका सपोर्ट बन जाएगा 47,900, तो आप एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस रेट करे तो बाई करना है, नहीं तो सेल करना है। देन आपको इस लेवल पे बाई या सेल के बाद आपका टारगेट जो अभी ये हाई है इस रेंज से थोड़ा नीचे का टारगेट रखिए। मींस पहला टारगेट तो आपका 1:2, मींस आपका जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट 1:2, देन रिमेनिंग टारगेट आप ट्रेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको प्राइस मिलता है तो आप फिर सेल के लीजिए, अगर यहाँ पे अगेन 47,600 के आसपास मिलता है तो फिर प्राइस नीचे आया तो देन पुल बैक तो आएगा ही आएगा, देन प्राइस ऊपर, फिर गो फॉर लॉन्ग। मींस प्राइस आपका ये जितने भी रेंज है 200 300 पॉइंट की रेंज है, आपका ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं आपको गोल्ड जो है 48,300 से पहले मींस उसके ऊपर ही उसके बाद ट्रेंडिंग हो उससे पहले रेंज में ही रहेगा। नीचे की साइड जो है आपका 47,400 उसके नीचे ही नेगेटिव होगा, ठीक है? तो उसके नीचे एकदम से अगर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो पहले तो पुल बैक आएगा ना, रिटेस्ट पे ही करना है, ऐसे सेल बाई या सेल करना नहीं है। तो प्रॉपर लेवल को अंडरस्टैंड करके करिए, चार ही लेवल है 47,400, 47,600 एंड 48,300। ये चार लेवल है, इन चार लेवल पर एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस प्राइस क्रिएट करे तो बाई एंड सेल करिए। आपको डायरेक्ट मीन आपको मिनिमम 1:3 टारगेट मिल ही जाएगा, देन रिमेनिंग क्वांटिटी दो लोट से करिए, दो रिमेनिंग क्वांटिटी को आप ट्रेल करिए ताकि अगर डायरेक्शनल ट्रेड जाना होगा तो आपके फेवर में जाएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे आपका इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो बुलिश एबीसीडी पैटर्न, ठीक है, उसके प्राइस हाईएस्ट पॉइंट के अंदर आपका इधर से अगर आप देखेंगे तो, और इधर से आपका बियरिश है, ठीक है? तो इधर से अगर इसका बी पॉइंट देंगे तो आपका प्राइस कहां नेकलाइन के पास है, मींस कंसोलिडेट कर रहा है, ना ऊपर है ना नीचे, कहीं भी नहीं है, ठीक है? तो ये ट्रेडिंग का लेवल है नहीं, जो चार लेवल दिए उसी लेवल पे समझ के करिए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका क्या है, सिल्वर। अगर सिल्वर की मैं रेंज की बात करूं, सिल्वर भी रेंज में है
और सिल्वर बाइंग जोन में, रेंज में, गोल्ड भी आपको मैं बोल रहा हूँ बाइंग जोन में, लोअर लेवल पे आ चुका है, सिल्वर भी आपका ऑलमोस्ट एक बाइंग जोन के अंदर है। जो हायर साइड अगर सिल्वर की हम रेंज देखेंगे तो वो 64,000 है, और लोअर साइड जो है 66,700। ये मेरे साइंटिफिक मीन्स लेवल्स है जिनके बीच में प्राइस ट्रेवल कर रहा, प्राइस घूम रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ जा रहा, नीचे जा रहा, तो ऊपर आ रहा, प्राइस कहीं नहीं जाता, प्राइस ऐसे ही चलता है। तो प्रॉपर लेवल्स को अंडरस्टैंड करके हम ट्रेड करें। सिल्वर थोड़ा सा जहां पे अभी प्राइस है वो आपका बुलिशनेस दिखाएगा। अगर आपका प्राइस अभी जो है वो कोई जोन नहीं है ट्रेडिंग का, बट अभी मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपका सिल्वर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है आज के लिए 64,600 के नीचे सस्टेन होता है, तो देन फिर आपके ये लेवल 64,000 के बस 400-500 पॉइंट की जगह बनती है अगर ये होता है। बट ये एक ये जोन जो जितना भी जोन है 64,000 का, ये जोन सारा ही बाइंग जोन है। सिल्वर में इन सारे जोन में एक्यूमुलेशन होगा, बाइंग जोन होगा। 64,000 के नीचे 100 पॉइंट सस्टेन एंड रिट्रेस पे एंट्री पे ही ये नेगेटिव होगा। अदरवाइज सिल्वर जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी रखिए, 64,000 के ऊपर है तो सिल्वर के अंदर आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मींस बाइंग का ही आपका व्यू होना चाहिए। 64,000 के नीचे ही ये कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर की साइड इसकी जो मैंने लेवल्स बताए, देखिए ये जो लेवल्स आपके, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ आपका इस लेवल पे एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस रेट करें। वैसे तो आपका इधर ही ब्रेकआउट हो जाएगा पहले से, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो देन आपका 65,600 अपने टारगेट सेट करके रखिए, देन फिर इसके ऊपर फिर अगेन वो रेंज आ जाएगी जो मैंने रेंज बताया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल है, 64,800, 65,600 एंड 64,000 एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस। जैसे ही ये लेवल्स रिएक्ट करें उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना, अपना परसेप्शन नहीं बनाना है। काफी अच्छा इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ है और काफी कंसोलिडेट भी हुआ, तो एक मोमेंटम इसमें मिलना चाहिए ऊपर या नीचे का, तो इसको समझ के करिए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूंगा तो वो आपका निकिल। देखिए निकिल बहुत ज्यादा रेंज में, निकिल जो है ज्यादा रेंज में, इसकी जो रेंज क्या है आपकी लोअर साइड 1470 की है और हायर साइड जो है 1535 की है, जो वीकली के अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूँ, जो प्राइस इस रेंज के अंदर घूम रहा है। ठीक है, तो अभी कहां पे प्राइस चल रहा है, इस रेंज के बीचों बीच चल रहा है निकिल। निकिल जो आपका 1470 से लेकर 1535 की जो रेंज है उसके बीचों बीच चल रहा है, ऑलमोस्ट आपका 1504 पे चल रहा है। तो प्राइस एक ऐसे लेवल पे है जिस लेवल पे आपको कहने का क्या है कि 1500 से लेकर के 1510 के बीच में आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 5 मिनट के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम में जाकर के फिर आप अगर 2-4-5 पॉइंट को अगर स्टॉप लॉस आपका मैच करता है, रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट फॉलो होता है, तो ट्रेन करिए, अदरवाइज मत करिए। 1510 के ऊपर आप बाइंग पे जाइए, रिटेस्ट पे एंट्री पे परफेक्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपका जो टारगेट होगा एक डायरेक्शनल वीकली के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, वो 1535 या उसके नियर बाई 1535 के बाद कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा, ट्रेंडिंग रहेगा। इधर 1470 के नीचे कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगा, तब तक ना तो ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, जस्ट एक रेंज है। हायर एंड पे सेल करिए, लोअर एंड पे बाय करिए, इस तरीके से समझ करके करिए। चार इंपोर्टेंट लेवल है, 1485 का है, 1500 से लेकर 1510 का लेवल एंड 1535 का, एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस क्रिएट करना है तो बाय या सेल करिए। अब ये हार्मोनिक पैटर्न के डिटेल्ड में अगर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको समझाऊंगा तो ये वीडियो ऑलमोस्ट आधे पौन घंटे का हो जाएगा, तो उतना एनालिसिस आप भी फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं सिंपल एनालिसिस करके प्रॉपर लेवल्स आपको साइंटिफिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो आपका है कॉपर। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर भी एक रेंज के अंदर, जो वीकली की ऑलमोस्ट जो मेरी अपनी रेंज है वो 732 से लेकर के 756 की रेंज है, जो कि बहुत छोटी रेंज है। ठीक है, इस रेंज के अंदर घूम रहा है और एक साइडवेज है, साइड ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ठीक है, डे के अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट इनके लेवल्स है, अभी नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको दिख रहा है तो नेगेटिव हो चुका है, बट ये ना ही बाइंग जोन है ना ही आपका सेलिंग जोन। तीन इंपॉर्टेंट लेवल है, 730, 745 एंड 756। इन लेवल्स पे जब भी प्राइस आए, अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो बिल्कुल सेल करेंगे, अगर ऊपर जाके ब्रेकआउट करके लेटेस्ट एंट्री मिलती है तो बाई करेंगे। एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 740 से 745 का एंड 755-56 एज ए सपोर्ट एज ए ब्रेकआउट रिटेस्ट, क्योंकि कभी भी जब प्राइस ट्रेवल करके जाए आपको एंट्री नहीं करनी है, बिकॉज ऑफ प्राइस का पुल बैक आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस पूरा खा जाएगा। लोअर साइड आपका 730 732 का जो लेवल है, एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस क्रिएट करें तो हम बाय एंड सेल करें। डबल बॉटम था, डबल बॉटम का इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। देखिए प्राइस का इधर डबल बॉटम था, ऑलमोस्ट आपका ब्रेकडाउन हो चुका है और रिटेस्ट प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सेल करिए। जैसे कुछ दिनों पहले आपको लास्ट जो एनालिसिस करके बताया था नेचुरल गैस का, कि यहाँ से नेचुरल गैस गिरेगा, तो नेचुरल गैस ऑलमोस्ट 420-430 का लेवल था, 390 के आसपास आ गया, तो काफी अपॉर्चुनिटी, काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी। सेम नेचुरल गैस में दोबारा वो अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से पूरे लेवल्स को समझ के करिए, लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट पे, देन फिर चार्ट अगर आप 5 मिनट में भी कर देंगे तो लो टाइम फ्रेम में भी एंट्री कर सकते हैं,
कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आपको सीखना है लाइव मार्केट में तो आप मुझसे सीख सकते हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, ये सब चीजें आप भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, हर कोई कर सकता है यार, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है, लोग चार कैंडल सिखा के बाकी चीजें सिखा के बेवकूफ बनाते हैं, लाखों रुपए लूट लेते हैं, वो सब चीजें नहीं करनी। ये सब चीजें बिल्कुल ही मतलब हर कोई सीख सकता है, 10th पास बच्चा भी सीख सकता है अगर एक प्रोसेस को अडॉप्ट करे तो, इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वह आपका नेचुरल गैस। अगर नेचुरल गैस की मैं बात करूं तो नेचुरल गैस देखिए वही लेवल था जो मैंने आपको बोला था 425 430 के रेंज, और काफी अच्छा डाउनफॉल आया। नेचुरल गैस की रेंज क्या है, नेचुरल गैस में अगर मैं रेंज की बात करूं तो अभी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए, नेचुरल गैस की जो मुझे मेरे जो लेवल्स हैं, जो मैं अपना एनालिसिस जो करता हूं उसके बेसिस पे मुझे जो रेंज नजर आती है वो 385 से लेकर के 415 के बीच की रेंज है। ना ही तो ये नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, बट लॉन्ग टर्म में ये आपका पॉजिटिव था और मीडियम टर्म में नेचुरल गैस आपका नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव टू साइडवेज ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर प्राइस, तो 385 एंड 415। अब इंपॉर्टेंट क्या है, 385 एंड 415 के बीच में जो रहेगा टॉप पे सेल बॉटम पे बाई होगा। ठीक है, ये जो आपका रेंज है ना, ये वाला टॉप पे सेल होगा बॉटम पे बाई होगा। जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी, जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी ठीक है, तो फिर ये अगेन पॉजिटिव टू साइडवेज हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव टू साइडवेज होगा, रुक रुक के जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। हर जगह आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन, मींस आपका हर जगह आपका की एरिया ऑफ वैल्यू है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतने आ गए हैं इसके अंदर कि आपका रेंज ही 10-15 पॉइंट से ऊपर बनती ही नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है कि मूवमेंट ये कभी कभी 10-10% का कर दे रहा, बट 15-15-20-20 पॉइंट के ज्यादा ये घूमता नहीं, फिर इसके ऊपर जाएगा, फिर 425-30 पे रुक जाएगा, फिर रुक जाएगा 450-60 के आसपास, तो ये 20-25 पॉइंट यही सब रेंज के अंदर घूमता रहेगा। तो नेगेटिव जो होगा 385 के नीचे नेगेटिव होगा, रिटेस्ट पे आप एंट्री करिए ठीक है, और 415 के ऊपर पॉजिटिव होगा। अगर 385 के नीचे निकलता है, रिटेस्ट पे एंट्री मिलती है, नेगेटिव होता तो अब की बार जो टारगेट मैंने पिछली बार 350 बोला था, जो टारगेट बनते वो 347 से लेकर के 330 के बीच के बनते हैं नेचुरल गैस के। तो नेचुरल गैस को पूरा प्रॉपर समझ के ट्रेड करिए, एक अच्छा डायरेक्शनल आपको ट्रेड मिल सकता है। क्रूड ऑयल की बात करूं, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है बट पॉजिटिव टू साइडवेज जा कहीं नहीं रहा है, पॉजिटिव टू साइडवेज है। अगर हायर साइड में क्रूड ऑयल की रेंज देखूं तो हायर साइड में जो रेंज है वो 6060 है, एंड लोअर साइड जो रेंज है आपके 6450, कहने का मतलब ऑलमोस्ट सॉरी हायर साइड में जो रेंज है 6450 एंड लोअर साइड में जो है 6060 आपके ऑलमोस्ट, अगर मैं मान के चलूं तो ये 390-400 पॉइंट की एक रेंज है जिसके अंदर नीचे जाता ऊपर चला जाता ऊपर चला जाता नीचे आ जाता है। अब वीकली का एनालिसिस है, आने वाले कुछ टाइम का एनालिसिस, इस रेंज के ऊपर निकलेगा तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, मतलब 200-300 पॉइंट की और जगह बनेगी, लेकिन नीचे निकलेगा तो अच्छा खासा डाउनफॉल भी आएगा। तो इन उससे पहले ये तो बाद की बात होगी, ये निकलेगा नहीं निकलेगा, रेंज में रहेगा कितने दिन रहेगा क्या रहेगा, ये सब बात की बात है। करंट में क्या चल रहा है, करंट में रेंज चल रही है जो कि रेंज है आपका 6060 एंड 6450 की। ठीक है, तो अभी प्राइस कहां चल रहा है, प्राइस उस रेंज के हायर साइड्स पे चल रहा है, मतलब 6312 चल रहा है, मींस आपका ऊपर की साइड 100 पॉइंट की और जगह पेंडिंग है, उसके बाद फिर अगेन रेजिस्टेंस आ जाएगा, मींस सप्लाई जोन आ जाएगा, फिर प्राइस आपका अगर ब्रेकआउट नहीं करता तो फिर गिर जाएगा। तो अभी क्या इस लेवल पे अगर आपका क्रूड ऑयल आज के सिनेरियो में अगर हम मैं देखूं तो अगर आपका निकलता है यहां पे 6320-6330 पे एज ए रिटेस्ट में एंट्री मिलती है, प्राइस ऊपर निकलता है तो फिर 6370-6380 के टारगेट बनेंगे। ठीक है, और ऊपर के जाके फिर आपका 6400 आपको जो मैंने लेवल दिया वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, वहां पे रिव्यू करना है, वहां पे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी ब्रेकआउट पे बाइंग की, एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक डाउन पे परफेक्ट 200-300 पॉइंट की डाउनफॉल की भी आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो अगर प्राइस यहां पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर आपका ये लेवल चाहेंगे आपके 6190 और आपके 6200 तक के लेवल, देन नीचे के जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल आपके 6390 एंड आपका 6060, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, रेंज है, 400 पॉइंट की रेंज, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तो ये 100-150 पॉइंट की रेंज है, आपको इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना, अच्छा एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा। बीच में ट्रेड मत करिए, आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं उनको हर कहीं वेव दिखती है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया बाई कर लिया, थोड़ा सा प्राइस गया नीचे कर लिया, ऐसा नहीं होता, ये परफेक्ट लेवल होती है। इन लेवल पे क्या होता है कि देखो प्राइस को चलाना आपके मेरे बस की बात तो है नहीं, प्राइस चलाते हैं इंस्टीट्यूशनल। अब इंस्टीट्यूशनल चार्ट पे सब कुछ दिखता है, यही आपके जो मैं आपको पूरी एजुकेशन जब देता हूं तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा सिखाता हूं कि आपको करना क्या, मार्केट तो आप चला नहीं सकते ठीक है, गलत टेक्निकल एनालिसिस करके भी कुछ नहीं करना, आपको मार्केट बिहेवियर पूरा समझना कि इंस्टीट्यूशनल जितने भी है, आपके ऑपरेटर्स मान सकते हैं, आप इंस्टीट्यूशनल मान सकते हैं, तो आपके वो बाइंग या सेलिंग कहां करते हैं वो जोन आइडेंटिफाई कर लो, तो वो प्रॉपर एक जोन में बाई करते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड में आपको एक वीडियो बना के बाद में बताऊंगा। तो आपको
उस जोन में बाय करते हैं तो उन्हीं जोन पे आप ट्रेडिंग करते हैं। तो कहने का मतलब जो मैंने आपको लेवल दिया ना, इन्हीं लेवल पे नॉर्मली आपका इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स की बाइंग एंड सेलिंग आती है। अब आप क्या होता है, इस लेवल के बीच में 50 ट्रेड कर लेते हो तो वो तो गेम्बलिंग है, वो ट्रेडिंग नहीं है। इन्हीं लेवल्स पे एज ए प्रोफेशन एक समझदार इंसान की तरह मतलब अपना पैसा गवाइए मत, सीख लीजिए पहले, इन लेवल्स पे ही ट्रेड करिए और ट्रेड करेंगे तो काफी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, आपको बेनिफिट मिल रहा है, सब लोगों को मिलेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।